स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े थे, तो रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली क्या थे? दो रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो हमने जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कंसेप्ट पढ़ा था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेफरेंस में पढ़ा था, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। लेकिन एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इट मीन्स वेन एवर अ कंपाउंड फॉर्म, आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है, बिकॉज किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो शेल्स के अंदर रोम करते रहते हैं। जो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वही या तो लूज होगा या तो गेन होगा। तो बेसिकली मेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो हमेशा वही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझें तो बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है, किसी भी एटम, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इट शोज ऑक्सीडेशन ऑफ दैट एटम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन तो इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? रिडक्शन ऑफ दैट एटम। इसके लिए आपको एक शॉर्टकट याद रखना होगा, ऑयल रिग। ऑयल रिग को अगर हम फुल फॉर्म देखें इसका, तो ऑयल रिग का मतलब होता है ओ फॉर ऑक्सीडेशन, I is loss, okay? और rig it means reduction, is gain. इसका मतलब oxidation is loss. We are talking about electronic concept. तो किसका loss? Electron का loss. तो अगर electron का loss हो रहा है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो आप उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन को हमने क्या समझा? रिडक्शन इज गेन। इट मीन्स कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में रिडक्शन कहलाएगा। हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। हमने देखा था कि जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोलिसिस में ये पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनके ओर्स का मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाती है, उनको इलेक्ट्रोलाइज कर लिया जाता है, और उस इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम, जैसे हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया है, सोडियम क्लोराइड इज एन ओर फॉर सोडियम मेटल, तो इसका मोल्टन फॉर्म में हम इसको मेल्ट किया पहले, और इस मोल्टन फॉर्म में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव मिलेगा। ओके, बिकॉज मेटल जो है वो हमेशा क्या करते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं और नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? जब हमने इसको इस तरीके से देखेंगे, अगर हम इन रिएक्शंस को हाफ हाफ रिएक्शन करके देखेंगे, तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन में क्या हुआ कि सोडियम पॉजिटिव आयन में चेंज हुआ। इट मीन्स इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया एंड इट विल चेंज इनटू सोडियम आयन। ये जो सोडियम आयन बना है पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। तो बिकॉज इट इज मेटल ऑल्सो, तो मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं, तो यहाँ पे मेटल क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। अगर हम इसका सेकेंड हाफ रिएक्शन देखें, तो सेकेंड हाफ रिएक्शन में हमने देखा कि क्लोराइड इट विल चेंज टू Cl माइनस, इट वॉज न्यूट्रल इन नेचर, ये माइनस आयन या एनायन में चेंज हुआ है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन करा है, इसका मतलब इसने सो इट गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड इट वॉज न्यूट्रल एंड अगेन इट विल चेंज इन टू एनायन और नेगेटिव आयन। सो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इलेक्ट्रॉन के गेन करने को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? फर्स्ट हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ, सेकेंड हाफ रिएक्शन में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो ये एक एग्जांपल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का बाय इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट।
Okay, have you got it? If you have any problem, you can ask me. Thank you. अरे यार